subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनागा आर्ट्स। आज हम एक रंगोली बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे वाइट कलर की रंगोली से इस तरह से पक्षियों का आकार हमें बनाना है। ऊपर एक थोड़ा सा गोल सा शेप और उसके नीचे थोड़ा बड़ा गोल सा शेप, इस तरह से। इस तरह से हमें आकार बनाते जाना है। ये यहाँ पे हम पंख बना रहे हैं पक्षी का। ये दूसरी तरफ वाले पंख एकदम बारीक से छोटे छोटे ही, ये पूरी नहीं दिखेंगे। ये उसकी पूंछ, ये दूसरे पक्षी की पूंछ, इस तरह से। ये शेप हमें एकदम बॉर्डर नहीं करनी है, एकदम हल्का सा निकालना है, क्योंकि हम बाद में उसे रंग से पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये हम डाली का शेप बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से। हमने यहाँ पे अब दो पार्ट वाइट कलर और एक पार्ट ब्लैक कलर लेके ग्रे कलर बनाया है। वो पक्षी के पंख में हमें इस तरह से भर लेना है पूरी तरह से। यहाँ पे सेंटर में हमने एक डॉट किया, वहाँ पे एक आँख आएगा। ये उसकी चोंच हमने बना ली। सेम तरीके से दूसरे पक्षी को भी बनाना है हमें। ये ऊपर थोड़ा अलग शेडिंग आएगा, इसलिए मैंने लाइन खींच ली। अब ब्लैक कलर से हम बारीक बारीक से इस तरह के लाइंस बना लेंगे, ताकि पंख, बारीक से पंख हमें इसमें दिखे। अब ब्लैक कलर लेके पंख के बाहर के साइड में हमें इस तरह से कलर भर देना है। अब सिर के पार्ट में भी हमने इस तरह से थोड़ा ग्रे कलर भर देना है। नीचे के साइड में थोड़ा ग्रे कलर और ऊपर के साइड में इस तरह से डार्क वाला ब्लैक कलर हमें भर देना है। ग्रे कलर की तरफ जब हमें ब्लैक कलर स्प्रेड करते हैं, तो एकदम हल्के से ग्रे कलर पे आना चाहिए, ताकि दोनों का शेड मिक्स दिखे प्रॉपरली। इस तरह से दूसरे बर्ड में भी हमें भर लेना है। ग्रे कलर के पास वाली लाइन हम हाथ से इस तरह से सीधी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया है, उसे हमें इतने पार्ट में ही भरना है। अब सेम तरीके से दूसरे बर्ड में भी हमें व्हाइट कलर सिर के पार्ट में इस तरह से भर लेना है। अब ग्रे कलर में जो हमने पहले बनाया था, उसमें दो पार्ट ग्रे और एक पार्ट व्हाइट कलर मिला के थोड़ा लाइट सा ग्रे कलर बना के हमने इस तरह से भरना है यहाँ पे। ये हमारा पहला वाला ग्रे कलर से थोड़ा शेड करेंगे नीचे के साइड में, डार्क ग्रे कलर से। अब फिर से लाइट ग्रे कलर हम यहाँ पे भरेंगे। लाइट ग्रे कलर हमने पहले वाले ग्रे कलर में ही दो पार्ट ग्रे और एक पार्ट व्हाइट कलर लेके एक लाइट सा शेड बनाया था यहाँ पे। इसको हमने इस तरह से स्प्रेड करना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स हमें ऊपर के व्हाइट कलर में भी करना है यहाँ पे। अब हमने थोड़ा सा व्हाइट कलर लेके फिर से नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का सा स्प्रेड किया। अब ये डार्क वाले येलो कलर में एक पार्ट येलो और दो पार्ट व्हाइट कलर लेके एक लाइट सा शेड हमने बनाया है। उसको एकदम हल्के से हमें व्हाइट कलर के नीचे स्प्रेड कर देना है, इस तरह से। पूरा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा ही डाला हमने। अब ये दूसरी साइड वाला पंख हमें बनाने के लिए डार्क ग्रे कलर से हमें इस तरह से एक पंख बना लेना है। दोनों पक्षियों को हमने इस तरह से पंख बना लिया है। अब ये ग्रे कलर के अंदर के साइड में हमने हल्का सा ब्लैक कलर यहाँ पे डाल दिया है। अब ये चोंच बनाने के लिए हमने डार्क वाला येलो कलर लिया है, उसके नीचे बारीक सा येलो कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके डार्क शेड बना के इस तरह से बीच से लाइन बना लेनी है हमने।
उसके नीचे फिर से येलो कलर भरना है। उसकी शुरुआत में हमने हल्का सा वाइट कलर लेके स्प्रेड कर दिया। अब हमने यहाँ पे डार्क वाले ग्रे कलर से दो डॉट बना लिए हैं सेंटर में। उसके अंदर हमने यहाँ पे ब्लैक कलर भरा है। अब जो हमने पंख बनाए थे उसको हमने हल्का सा ब्लैक कलर से बारीक सा बॉर्डर कर लिया है। यहाँ पे हमने लाइट ग्रे कलर हल्का सा स्प्रेड कर दिया है। दूसरे बर्ड में भी हम इस तरह से लाइट सा ग्रे कलर स्प्रेड कर देंगे। ये बर्ड का सिर का पार्ट हमें अभी थोड़ा और गोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले साइड से ग्रे कलर स्प्रेड किया और उसके पास में हल्का सा ब्लैक कलर स्प्रेड किया। इस तरह से ये आकार हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डाली में कलर भरने के लिए हमने यहाँ पे एक पार्ट रेड और एक पार्ट ब्लैक कलर लेके डार्क सा शेड हमने नीचे के साइड पहले स्प्रेड कर दिया। अब सेम कलर में सेम क्वांटिटी वाइट कलर मिक्स करके एक लाइट शेड बना के हमने उसके ऊपर डार्क कलर के ऊपर भर दिया है। उसको हमने वाइट कलर से ऊपर के साइड में बॉर्डर कर लिया है। हल्का सा फिर से लाइट शेड वहाँ पे भर दिया है। अब हमने ब्लैक कलर लेके वाइट कलर के ऊपर एक बारीक सा बॉर्डर बना लिया है और सेंटर में इस तरह से थोड़े थोड़े लाइंस हमने बना लिए हैं। एक्स्ट्रा का रंगोली हमने यहाँ पे साफ कर दिया है। अब पूछ के पार्ट में हमें यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर भर देना है। इस तरह से यहाँ पे हमने एक डार्क शेड लिया है। उसके लिए रेड कलर में सेम क्वांटिटी ब्लैक कलर मिक्स किया है। उससे हम इस तरह से पेड़ की डाली का आकार निकालेंगे। हाथ से हमें उसे शेप देते जाना है। उसी को अब हम आगे थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। अब हमने यहाँ पे दूसरी डाली भी बना ली है, ये तीसरी। सभी डालियों को हम हाथ से थोड़ा और रंग साफ करके शार्प शेप देंगे। जहाँ जहाँ पे डालियाँ थोड़ी कम दिख रही वहाँ पे बारीक बारीक सी हमें बढ़ाते जाना है। ज़रूरी नहीं कि शेप ऐसा ही आए आपका, आपके हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और डाली बना दी, वहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा था इसलिए। इस तरह से हमने नीचे और एक डाली और साइड से और एक निकाल ली है। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर लेके उसे गोल गोल इस तरह से कलर डालते जाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी डालियों के आउटर एंड में गोल गोल डॉट बना लिए। बाद में हम बीच में इस तरह से गोल गोल डॉट बना लेंगे। बीच में कहीं पे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पहले हमने जो डाली बनाई थी वो पूरी तरह ढकनी नहीं चाहिए। बस कहीं कहीं पे ही हमें उस डाली पे डॉट बनाने हैं, नहीं तो उसके बाहर के साइड ही बनाने हैं। इस तरह से अब ये डॉट हमें हाथ से गोल गोल कर लेना है। अब उसमें हमने एक साइड से रेड कलर, डार्क वाला रेड कलर डाल दिया है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी गोल छूटना नहीं चाहिए, सभी गोल में हमें रेड कलर डाल देना है। हम हाथ से उसको फ्लैट इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें हम जो रेड कलर शेड डाल रहे हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे डाला जाए। इस तरह से सभी गोल आकार में हमने रेड कलर भर लिया। उसके बाद हमने ब्लैक कलर लेके जिस साइड हमने रेड कलर डाला था उसके कॉर्नर साइड में बारीक सा डॉट बना लेना है ब्लैक कलर से। सभी गोल में हमें इस तरह से डॉट बना लेने हैं। ध्यान रखना है कि रेड कलर ढक ना जाए पूरी तरह से, बस थोड़ा सा ही ब्लैक कलर से डॉट बनाना है।
यहाँ पे हमने अब ऑरेंज कलर में सेम क्वांटिटी वाइट कलर मिक्स करके एक लाइट शेड बनाया है, मतलब एक पार्ट ऑरेंज और एक पार्ट वाइट कलर लेके उसको हम ये ऑरेंज डॉट के पास में जगह जगह पे इस तरह से डॉट बना लेंगे लाइट कलर के। इस तरह से सभी ऑरेंज डॉट में हमें बीच बीच में लाइट शेड डाल देना है। इस तरह से दूसरी और तीसरी डाली सभी में हमें एक कलर भर लेना है। यहाँ पे हमारा रंगोली बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।